गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर टू केयरिंग फॉर द नीडी मींस जिसको नीड जरूरत है उसकी केयर कैसे करनी है इस चैप्टर में वो बताया है। ठीक है, मैं आपको इसके पहले चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगी। केयरिंग फॉर द नीडी चैप्टर का नाम क्या है? केयरिंग फॉर द नीडी। अच्छा देखो, God has given us eyes to see. हमको भगवान ने आँख क्यों दी है? देखने के लिए। ठीक है, legs to walk, पैर किसके लिए दिए हैं? चलने के लिए। A brain to think, brain दिया है think, सोचने के लिए। Hands to do various work and so on, hands अपने को क्यों दिए हैं? Works करने के लिए। ठीक है, but all the people are not lucky. सब पीपल लकी नहीं होते हैं। कई लोग देखो, कई लोगों को हाथ नहीं होता है, पैर नहीं होता है, वो इस चैप्टर में आपको समझाऊंगी। ठीक है, बट ऑल द पीपल आर नॉट लकी, सम मे बी विजुअली डिसेबल, सम फिजिकली एंड सम मेंटली डिसेबल। किस कोई देखो विजुअली डिसेबल है, कोई फिजिकली एंड सम मेंटली डिसेबल है, कोई मेंटली डिसेबल है, कोई फिजिकली है, कोई ठीक है, सम मे बी डेफ और डंब और बोथ, कोई बहरा है, कोई मूंगा है। ठीक है, पीपल बिकम वीक व्हेन दे ग्रो ओल्ड, जब उनकी ग्रोथ ही तभी उनकी वीक कहीं के वीक ग्रो वीक होती है। ठीक है, मेनी ऑफ देम आर अनेबल टू ऑल देयर वर्क देमसेल्फ, इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प सम पीपल एंड मेक देम फील हैप्पी। देखो, हमको ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, कैरी फॉर द फिजिकल चैलेंज, पीपल विद सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी और डिफरेंसेस विद द फिजिकल और मेंटल आर सब्जेक्ट टू बी फिजिकली चैलेंज्ड, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज फॉर सच पीपल। गवर्नमेंट देखो सर कई प्रोवाइड्स करती है सर्विस उनको। मेंटली चैलेंज्ड पीपल आर दोस हु कैन नॉट फंक्शन नॉर्मली बिकॉज ऑफ सम डेफिशिएंसी इन द ब्रेन, दिस डेफिशिएंसी कुड बी बर्थ और बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। कईयों को देखो एक्सीडेंट में होता है, कई पहले से ही फिजिकली उनकी में होता है, कईयों को जन्म से ही बीमारियां कुछ होती है और कई को एक्सीडेंट में ऐसे होता है। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज सेट अप टू सेंटर्स फॉर द मेंटली चैलेंज्ड पीपल, दिस सेंटर्स आर कॉल्ड मेंटल एसिलम्स, वी शुड टेक गुड केयर ऑफ सच पीपल एंड गिव देम हैप्पी एंड चिल्ड्रन। उनको देखो हमको उनके हेल्प करनी चाहिए और उनको हैप्पी रखना चाहिए। देयर आर मेनी स्कूल्स फॉर ब्लाइंड्स वेयर पीपल यूज द ब्रेल स्क्रिप्ट व्हिच इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग विद रेज लेटर्स, सिंस ब्लाइंड पीपल कैन नॉट रीड, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं अंधे जो वो रीड नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या करते हैं विद देयर आईज दे फील एंड आइडेंटिफाई, उनको क्या करते हैं फील महसूस कराते हैं, आइडेंटिफाई मीन्स उनको आइडेंटिफाई कराते हैं, मीन्स उनको आइडेंटिफाई ऐसे कराते हैं कि ऐसे करो आप इसको आइडेंटिफाई करके बताओ। जिनके आईज भी नहीं होते उनको देखो कैसे करते हैं फिंगर्स। इन मैनी कंट्रीज ब्लाइंड पीपल आर रेड बाय ट्रेन डॉग्स, we should help the blind people by holding their hand and helping them to cross the road, हमको उनका हाथ पकड़ के हम रोड क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके, ठीक है, और helping them to cross the road, extra they need encourage more than simply, हमको उनको encourage करना चाहिए process, तो ऐसा नहीं बोलना कि that is for अंधा ही बोलो। ठीक है, उनको encourage करना है अपने को। The physically challenged people should always be encouraged to so that they do not get disappointed. Means वो disappoint नहीं हो, उनको encourage करना है। I properly guide such people often achieve amazing goals. ठीक है, अब मैं आपको इतना ही चैप्टर कराऊंगी, इसके बाद दूसरा इनकम्प्लीट चैप्टर आपको मैं वापस नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, ये आपके हार्ड वर्ड्स है, डिसेबिलिटी फिजिकली एंकरेज पॉसिबल मेडिसिन, मीन्स ये आपको नोटबुक में लिख के लाना है। ठीक है, एक मिनट में आपको आपका होमवर्क देती हूँ। आपको ये हार्ड वर्ड्स लर्न करने हैं और लिख के भी लाना है।